जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मिस आयदा शरीफ इज़ हियर। यस्टरडे आई टॉट यू द थर्ड पोएम दैट वाज एंटाइटल्ड द न्यू ईयर रेजोल्यूशन बाय एलिजाबेथ स्वेल। उसके स्टैंजास पढ़ाए थे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने बात की थी, और इसका क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर थ्री। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जी। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लें, मैंने आपको कल भी ये बात बताई कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आनी चाहिए कि आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दें। इसलिए जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स आ रहे हैं मैं वो सारे डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ जी। फर्स्ट देखें, व्हाट मैसेज डज द पोएम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कन्वे टू अस। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि क्या मैसेज मिलता है हमें इस पोएम में, तो आपने उसका ये आंसर लिखना है जो भी हम आपको पढ़ाने जा रही हैं। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम, तो भी आपने यही आंसर लिखना है। इफ़ द एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो भी आपने यही लिखना है। व्हाट मॉरल वैल्यूज डज शी ट्राई टू प्रीच इन हर पोएम न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि वो पोएट्री समय क्या बताने की कोशिश कर रही है, तो भी आपने ये लिखना है इसके अंदर। देन इफ़ द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज़ एक्चुअली अ पीस ऑफ एडवाइस ऑन लीडिंग गुड लाइफ इन दिस वर्ल्ड, एक्सप्लेन इट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये जो पोएम है, एक्चुअली ये एक नसीहत है जो हमें बता, जो ये हमें कन्वे करती है कि ज़िंदगी कैसे अच्छे तरीके से इस दुनिया में गुजारी जाए, तो भी इसका आंसर यही होगा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अब आंसर पे आते हैं ज़रा। फर्स्ट पॉइंट है जी, अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम। दिस इज़ अ शॉर्ट पोएम, इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपके अंदर ख्याल को, फिक्र को, एक नए आइडिया को उभार देती है, जगा देती है। इट इज़ फुल ऑफ मैसेज। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड टेक स्टॉक ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड ट्राई टू रिफॉर्म आवर सेल्व्स। जी सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें क्या करना है, अपनी माजी की गलतियों का जायज़ा लेना है, और क्या करना है जी, कि हमें अपने आप को रिफॉर्म करना है, ठीक करना है। इट इज़ ट्रू दैट द वर्ल्ड आउटसाइड अस इज़ फुल ऑफ ट्रेचरी, फॉल्सहुड एंड बिट्रेयल। हाँ जी, हमारी जो दुनिया है, जो बाहर की दुनिया है, एक तो हमारे अंदर की दुनिया ना, एक बाहर की दुनिया, और झूठ से, मकारी से, धोखे से भरी हुई है। विद द अप्रोच ऑफ न्यू ईयर वी मस्ट चेरिश होप्स फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ नोबल आइडियल्स। और पोइटस हमें क्या कह रही है कि हमें अपने साल के आगाज़ में हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर खलूस और सच्चाई को, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ, रियलिटी एंड सिंसेरिटी इन लाइफ। द पोइम हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड सिंसेरिटी इन आवर डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ। जी अब पोइटस हमें ये बात कहती है कि हमें ज़िंदगी के जो तलख हकाइक हैं इनका ईमानदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम ज़िंदगी में कोई एक मुश्किल फेस करते हैं ना, कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वक्त हमारा इम्तिहान होता है असल में कि अब हम क्या ऑनेस्ट हैं या डिसऑनेस्टी शो करनी है। तो पोइटस हमें ये एडवाइस करती है कि मुश्किल हालात में हमें ईमानदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए। देन इज़ वी मस्ट फेस द बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ इन अ सिंसियर मैनर। जी बिटर रियलिटीज़ जो हैं, जो ऐसी हकीकतें हैं जो हमें कड़वी लगती हैं, ठीक है, उनका भी एक सिंसियर मैनर के साथ, खलूस के साथ, ठीक है, उसके साथ हमें उसको फेस करना है, मुकाबला करना है। वी मस्ट कंटिन्यू टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। जी इंसानियत के लिए भी हमें, इंसानियत की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करने चाहिए। वी मस्ट गेट रिड ऑफ विशफुल थिंकिंग एंड ड्रीम्स। जी जो हम अपने ही जो ख्वाबों के असीर बने हुए होते हैं, ठीक है, उनसे भी हमें बाहर निकलना चाहिए। दिस इज़ आवर आइडियल एंड रोमांटिक थिंकिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड स्प्रेड मिजरी इन द वर्ल्ड। हाँ जी वो कह रही हैं कि अगर हम इन अपनी थिंकिंग पे, अगर हम इन सोचों पे अगर काबू पा लें, तो दुनिया के अंदर से मुसीबत और परेशानी को जो क्या है वो हम निकाल फेंक सकते हैं। देन इज़ द थर्ड पॉइंट इज़ रिकग्निशन ऑफ सिंस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जी, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को जानना और मानना, ठीक है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम अपने माजी की गलतियों से यूजली सीखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको एडमिट ही नहीं करते कि हमने वो गलतियाँ की थी। जब हम एडमिट कर लेते हैं ना गलती को कि ये गलती हुई थी, तो फिर हम जो है वो ज़िंदगी में सीख सकते हैं। पोइटस यही बात हमें बताने की कोशिश कर रही है। द पोइटस एडवाइजेस अस टू ड्रिंक डीप एट द फाउंटेन ऑफ थॉट्स एंड ट्राई टू नो आवर ट्रू आइडेंटिटी। हाँ जी हमारी ट्रू आइडेंटिटी की बात करती है, ठीक है, कि हमारी शनाख्त क्या है। वो कहती है कि हमें अपनी
शनाख्त के बारे में पता चलना चाहिए और हमें अपने ख्यालात के ऊपर ओवर थिंकिंग करनी चाहिए। ठीक, सच रिकग्निशन ऑफ आवर सिंस एंड रॉन्ग डूइंग्स विल कीप अस ऑन द राइट पाथ। जी, जब हम अपने सिंस को और रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर जो हमने गलतियाँ की हैं अगर हम उनको पहचान लेंगे तो हम ज़िंदगी में सही रास्ते का इंतखाब करने के काबिल हो जाएंगे। इफ़ वी एक्सेप्ट लाइफ विद इट्स पेन्स प्रॉब्लम्स एंड ड्रॉबैक्स वी कैन फेस द अगली रियलिटीज़ ऑफ लाइफ इन अ चीयरफुल स्पिरिट। जी, अगर हम अपनी कमज़ोरियों को जान पाएंगे तो जो अगली रियलिटीज़ हैं, जो ज़िंदगी की तलख हकीकतें हैं, उनको हम एक खुशगवार अंदाज में उनको फेस कर लेंगे। वी मस्ट वेलकम द न्यू ईयर विद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। हाँ जी, और हमें क्या करना है, हमें नए साल का जो इस्तकबाल है वो ज़िंदगी के बारे में एक बेहतर नज़रिए के साथ उसका करना चाहिए, पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए ताकि माजी की गलतियों से सीखें और हम जो है फ्यूचर वो ज़्यादा अच्छा जो है बना लें। जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ाती हूँ।